हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटम, जो वास्तव में जो एटम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि किस तरीके से एटम जो है हमारे स्ट्रक्चर में आया। तो एटम जो है इसके, अगर आप स्ट्रक्चर में पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ पार्ट वन में, अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले उसको देख लो तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब हमने इसमें लेना है थॉमसन मॉडल। जो थॉमसन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक मॉडल बताया कि एटम ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो एटम है वो किसके जैसा होगा, वाटरमेलन की तरह। वो कहते कुछ वाटरमेलन, सॉरी मेरा स्पेयर जो है सही नहीं बना, तो एटम कैसा होता है, वाटरमेलन की तरह। उन्होंने कहा जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह, वाटरमेलन जैसे, वाटरमेलन का ये पार्ट है, ये मतलब मेरा सर्कल सही नहीं बना है, समझ लो मतलब ये सर्कल है, तो वाटरमेलन का जो पार्ट है ये पूरा, वाटरमेलन में ये पूरा पार्ट जो है, जो रेड खाने वाला पार्ट होता है, उन्होंने कहा था ये सारा क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, जैसे ये गोल है, स्पेयर है, इसी तरीके से उन्होंने कहा एटम भी क्या होते हैं, गोल होते हैं, स्पेयर होते हैं। इसी तरीके से बाद में उन्होंने कहा कि जैसे वाटरमेलन में कहीं कहीं छोटे छोटे उसके ब्लैक ब्लैक से शीट्स होते हैं, वो वहां पर ऐसे ही उनमें क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या कहा अपने मॉडल में कि जो एटम है वो कैसा है, गोल स्पेयर है, और जो उसका रेड वाला खाने वाला पार्ट होता है वो कैसा है, वो पॉजिटिव चार्जेस है, और कहीं कहीं पे जैसे कि बीज होते हैं वाटरमेलन में ब्लैक कलर के, कहीं कहीं पर ऐसे ही वहां पे उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब ये इलेक्ट्रली क्या है, ये न्यूट्रल है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस इक्वल होंगे तो इलेक्ट्री वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इनका मॉडल के बारे में डिटेल देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा। थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था, एक जो एटम है, एन एटम, एक जो एटम है वो किसके जैसा देख रहा है, यूनिफॉर्म स्फीयर। ठीक है, ये पूरा यूनिफॉर्म स्पेयर है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इसमें कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो पूरा फुल, जो फुल रेड कलर खाने वाला है वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव कौन सा है, जहां जहां बीज होते हैं ब्लैक कलर के नेगेटिव। उन्होंने कुछ एग्जांपल और भी बोले कि जैसे कि केक होता है, केक में कहीं कहीं पुडिंग होती है ना, छोटी छोटी सी, क्रिसमस केक ले लो, उसमें थोड़ी थोड़ी सी पुडिंग्स होती है, तो उस तरीके से उसमें, उसी तरीके से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इनके मॉडल को मतलब स्टेबल नहीं बताया गया, इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी कमियां आने के बाद इन्हीं के मॉडल को आधार मान के अगले मॉडल हमारे साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया एक, उसमें उन्होंने बताया। अब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, एक जिंक सल्फेट की स्क्रीन ले ली, कुछ इस तरीके से जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन ले ली। ठीक है, जिंक सल्फेट की स्क्रीन में यहाँ पर एक गोल्ड की फॉइल ले ली, ये कौन सी स्क्रीन हो गई, जिंक सल्फेट की। ठीक है, गोल्ड की फॉइल ले ली। ठीक है, गोल्ड मीन्स ए यू। ठीक है, अब गोल्ड जो फॉइल क्यों ली इन्होंने, सबसे पहले गोल्ड फॉइल इसलिए ली कि ये बोला गया कि एटम जो है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है। तो जो हम जानते हैं कि जो सारी मेटल होती है वो कैसी होती है, मेलेबिलिटी उनकी अच्छी होती है, वो मेलेबल होते हैं, तो उसमें भी सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी किसकी होती है, गोल्ड की होती है। इसकी हम पतली से पतली जो है फॉइल बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने किसकी फॉइल यूज की, गोल्ड की फॉइल यूज की। इसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबॉट की, अल्फा पार्टिकल्स की इस पे बमबॉट की इस तरीके से। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, हीलियम के पॉजिटिव चार्जेस। अल्फा पार्टिकल मींस जो हो पॉजिटिव डबल, मतलब इसका पॉजिटिव चार्जेस 4 यूनिट है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स की बमबॉट की, अल्फा पार्टिकल की बमबॉट करने के बाद ये क्या हो गई, रेस तो जो है ऐसे, ये कुछ तो क्या हो गई, बिल्कुल यूनिफॉर्म, बिल्कुल सीधे निकल गई, और कुछ रेज जो आ रही थी वो टकरा के क्या हो गई, थोड़ी सी बैंड हो रही है, थोड़ी सी बैंड हो रही है, और कुछ रेज क्या हो गई कि उसी डायरेक्शन में वापस आ गई, वापस डिफ्लेक्ट हो गई।
अब यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, कुछ तो हो गई सीधी निकल गई, कुछ क्या हो गई यहाँ पर टकरा कर क्या हो गई, डिफ्लेक्शन हो गई, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई, ये क्या हुई लार्ज डिफ्लेक्शन हुई, और ये क्या हो गई बैक डिफ्लेक्शन हो गई। अब इस मॉडल पे उन्होंने क्या निकाला कि जब ये इतना फॉइल में से इस तरीके से हो रहा है, तो अब इसका हम जो है बड़ा सा एक डायग्राम बना के उसके थ्रू देखते हैं कि यही जो गोल्ड की फॉइल है, समझ लो ये क्या है, एक गोल्ड की फॉइल है, और जो ये मैंने ले लिए हैं ये क्या है गोल्ड के एटम है, ठीक है, गोल्ड के एटम है, मतलब वो पतली सी फॉइल में, ये तो हम वैसे ही मान रहे हैं, बाकी बहुत ही बहुत सारे एटम है उस फॉइल में। अब यहां पर जो ये टकराए हैं इस तरीके से, ये यहां पर हम टकराए हुए हैं, इसके बीच में ये न्यूक्लियस है एटम का। अब जब ये टकराया, टकराकर पूरा निकल गया, ये टकराया निकल गया, ये टकराकर बैक हो गया, ये टकराकर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, ये टकराकर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट हुआ, ये बैक हो गया। तो ये जो गोल्ड की फॉइल थी, इसके ये जो एटम्स थे, तो यहां पर जो पूरी तरीके से उधर निकल के चली जा रही है, इससे क्या पता लग रहा है कि एटम के बीच में बहुत सारी खाली स्पेस है, बहुत ज्यादा खाली एम्प्टी स्पेस है, जिसकी वजह से जो रेस थी अल्फा पार्टिकल की, जो रेस थी वो क्या हो जा रही थी, दूसरे साइड में पार होके चली जा रही थी, और कहीं पर वो क्या हो रही थी, ऐसी कहीं पर उनकी कोई रुकावट आ रही थी जहां से वो टकराकर क्या हो रही थी, थोड़ी सी बैंड हो जा रही थी, और कहीं पर तो इतना ज्यादा मजबूती थी कि इतनी हैवी जो हम अल्फा पार्टिकल्स को हमने बम्बोर्ड किया था, वो टकराकर क्या हो रही है, बैक आ जा रही है, बैक आके बाउंस हो जा रही है। तो इसका मतलब सोचो कि जो ये 4 यूनिट का जो हमने हीलियम का अल्फा पार्टिकल लिया था वो टकराकर आ रहा था, इसका मतलब जो यहां पर है वो कितना ज्यादा मजबूत होगा, कितना ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स होगा। तो उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कोई भी एटम है, किसी भी एटम का जो मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियस पे, इस न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी दूर दूर हैं, ठीक है। तो मतलब हम कहते हैं न्यूक्लियस की सबसे पहले जो है बताया, वो किसने बताया था न्यूक्लियस के बारे में, सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया, और इन्होंने एक और भी बोला कि मतलब किसी से कंपेयर करके कि जो सोलर सिस्टम में, उन्होंने बोला कि जैसे कि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, इसी तरीके से ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इनमें भी लेकिन कुछ कमियां थी, और इनकी कमियों को दूर करने के लिए नेक्स्ट जो आए थे साइंटिस्ट वो नील्स बोर, उन्होंने इसके बारे में अपने एटम के बारे में आगे बताया, उन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा होता है एटम। अब बोर्स ने क्या बताया कि जो एटम है उसके बीच में न्यूक्लियस जो है सेंटर है, उसमें क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन में सारा पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कहाँ है, बीच में सेंटर में, साथ में क्या है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में कोई चार्जेस नहीं। उसके बाद इसके काफी डिस्टेंस पर जो है शेल्स हैं, मतलब एक पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एनर्जी लेवल भी कह दिया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में और इन जो जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इनके बीच में काफी स्पेस है, और इसका जो फर्स्ट शेल है जो न्यूक्लियस के पास में, उसको फर्स्ट शेल कहा गया, उसको नाम दिया के, दूसरा शेल एल, तीसरा शेल एम, इसी तरीके से एन ओ पी क्यू, आगे अलग अलग शेल्स के नाम दे दिए गए। जो नील्स बोर का ये जो एटम का जो स्ट्रक्चर था ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया था, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब उन्होंने क्या बताया, सेम एटम ऐसा ही है आज के टाइम में, कि सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है, सारा मास न्यूक्लियस का, जो कोई भी एटम है उसका सारा मास कहाँ होता है, सेंटर में होता है, उसमें सेंटर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन हमें पता है कौन से चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, रिवॉल्व अराउंड द
न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं वेरियस ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में। जैसे कि अभी बताया जो न्यूक्लियस के नजदीक है वो कौन सा ऑर्बिट है, के आगे क्या है, एल मतलब अलग अलग ऑर्बिट। तो के में हमने पढ़ा हुआ है पहले कि के में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट एल में कितने आ सकते हैं, 8। इस तरीके से अलग अलग अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।